HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल 30 साल के संतोष नामक शख्स के गले में मछली फंस गई, जिसके कारण उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर को जब दिखाया तो उसके मुंह से जिंदा मछली को बाहर निकाला गया। ये है पूरा मामला। बताया जाता है कि पोडादिया पाडा शही गांव का रहने वाला संतोष तालाब में मछली पकड़ने गया था। जैसे ही उसने मछली को अपने हाथ में रखा, वो उछलकर उसके मुंह के अंदर चली गई और गले में जाकर फंस गई। गले में मछली अटक जाने से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो चल भी नहीं पा रहा था। आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर्स उस मछली को निकालने में असमर्थ रहे और उसे भुवनेश्वर के अपोलो हॉस्पिटल भेज दिया गया। दंत विभाग के सीनियर डॉक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि जब हमने उसकी जांच शुरू की तो केवल हमें मछली की पूंछ दिख रही थी। उन्होंने बताया कि मछली अटक जाने के कारण उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। हमने तुरंत उसे इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में भर्ती किया। इसके बाद माउथ गैस का इस्तेमाल करके जिंदा मछली को उसके मुंह से बाहर निकाला गया। करीब 10 दिन तक नसल ट्यूब से ही उसे खिलाया पिलाया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है और डॉक्टर उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द रिकवरी कर लेगा।